दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप्स जो कि आते हैं 40,000 रुपीज की प्राइस रेंज के अंदर, जिसमें आपको डिसेंट पावरफुल लैपटॉप्स मिल जाते हैं। जो भी लैपटॉप्स हमने इस लिस्ट में शामिल किए उनमें आपको हाई परफॉर्मिंग प्रोसेसर, 512 GB की NVMe M.2 SSD, 8 GB रैम, प्री इंस्टॉल विंडोज और MS ऑफिस के लाइसेंस वर्जन, डिसेंट बैटरी बैकअप, बैकलेट कीबोर्ड और सभी लेटेस्ट फीचर्स मिल जाते हैं। दोस्तों इन सभी लैपटॉप्स में आपके बेसिक काम आराम से हो जाते हैं। इनमें आप ऑनलाइन मीटिंग, वेब ब्राउजिंग, ऑफिस और कॉलेज प्रेजेंटेशन, फोटो एडिटिंग, बेसिक वीडियो एडिटिंग, कोडिंग और थोड़ी बहुत गेमिंग भी कर सकते हैं। अगर भी इस प्राइस में एक बेस्ट लैपटॉप लेने की सोच रहे तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे इन सभी लैपटॉप्स के डिटेल, स्पेसिफिकेशन, फीचर्स और जानेंगे इनमें से कौन सा लैपटॉप किस प्राइस में लेना सही रहेगा। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। तो नंबर 5 पर आता है डेल इंस्पिरियन 15। दोस्तों डेल की तरफ से आने वाली एक पॉपुलर सीरीज है जो स्लिम डिजाइन के साथ आती है। एक फुल साइज लैपटॉप है जिसमें आपको बैकलेट कीबोर्ड भी मिल जाते हैं। इसका वेट 1.8 kg के आसपास देखने मिलता है। यह आता है 15.6 इंचेस की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले के साथ, जिसमें 1080x1920 का पिक्सल रेजोल्यूशन मिल जाता है। यह आता है राइजन 3 3250U इस प्रोसेसर के साथ, जिसमें आपको 2 कोर्स और 4 थ्रेड्स मिल जाते हैं, जो 2.6 GHz की बेस फ्रीक्वेंसी और 3.5 GHz की बूस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ आता है। और साथ ही इसमें वेगा 3 की इंटीग्रेट ग्राफिक्स भी मिल जाते हैं। इसमें 8 GB की DDR4 RAM मिलती है, उसे आप 16 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं और साथ ही 512 GB की SSD भी मिल जाती है। यह था विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम और MS Office 2021 के लाइसेंस वर्जन के साथ। इसमें बैकलेट कीबोर्ड मिलता है और HD वेबकैम के साथ आता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें आता है डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ, 2 USB 3.2 पोर्ट, 1 USB 2.0 पोर्ट, HDMI पोर्ट और SD कार्ड स्लॉट भी मिल जाता है। इसमें 3-cell लिथियम आयन बैटरी आती है, जिसमें 8 आवर्स के आसपास बैटरी बैकअप मिल जाती है। यह था 39,000 रुपीज के प्राइस के साथ। प्राइस के हिसाब से एक ठीक ठाक लैपटॉप है। इसमें आपको फुल HD डिस्प्ले मिलती है, बैकलेट कीबोर्ड मिलती है और साथ ही स्लिम और स्टाइलिश डिजाइन के साथ आता है। इसमें आपकी डे टू डे टास्क आराम से हो जाते हैं, लेकिन हाई एंड गेमिंग और 4K एडिटिंग जैसे हेवी टास्क नहीं कर सकते। इसमें आप मल्टीमीडिया, वेब ब्राउजिंग, ऑफिस वर्क और थोड़ी बहुत कोडिंग और HD वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं। इस वजह से डेल इंस्पिरियन 15 इन स्पेसिफिकेशन के साथ हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर आता है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ। तो नंबर 4 पर आता है MSI मॉडर्न 14। दोस्तों MSI भी बजट सीरीज में ज्यादा लैपटॉप लॉन्च करने लगा है। यह इस लिस्ट का सबसे लाइट वेट लैपटॉप है, जिसका वेट सिर्फ 1.3 kg है। इसकी सबसे बड़ी खास बात है इसमें आप 64 GB तक रैम एक्सपेंड कर सकते हैं। यह है 14 इंचेस की फुल HD IPS LCD डिस्प्ले के साथ, जिसमें 1080x1920 का पिक्सल रेजोल्यूशन मिल जाता है। इसमें आता है इंटेल 11 जनरेशन i3-1115G4 प्रोसेसर, जो 2 कोर्स और 4 थ्रेड्स के साथ आता है, जिसमें 3 GHz की बेस फ्रीक्वेंसी और 4.1 GHz की बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। और साथ ही इंटेल आई एक्सी के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी मिल जाते हैं। यह है 32,000 MHz 8 GB DDR4 रैम के साथ, जिसे आप 64 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। और साथ ही इसमें 512 GB की NVMe M.2 SSD भी मिल जाती है, उसे भी आप अपग्रेड कर सकते हैं। इसमें विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम प्री इंस्टॉल मिलती है और उसे भी आप विंडोज 11 में फ्री में अपग्रेड कर सकते हैं। इसमें बैकलेट कीबोर्ड और HD वेबकैम मिलता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें आता है वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.1, HDMI पोर्ट, 1 USB Type-C पोर्ट और 2 USB 3.2 पोर्ट मिल जाते हैं। इसमें 3-cell लिथियम आयन बैटरी आती है, जिसमें 4 आवर्स की बैटरी बैकअप मिल जाती है। यह आता है 40,000 रुपीज के प्राइस के साथ। प्राइस के हिसाब से इसमें आपको सभी डिसेंट फीचर्स मिल जाते हैं और इन फ्यूचर आप इसे काफी हद तक अपग्रेड भी कर सकते हैं। अगर आपको एक कॉम्पैक्ट और डिसेंट लैपटॉप चाहिए तो आप इसके साथ जा सकते हैं। इस वजह से MSI मॉडर्न 14 इन स्पेसिफिकेशन के साथ हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर आता है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ। तो नंबर 3 पर आता है नो आईडीपैड स्लिम 3। दोस्तों इस लिस्ट का यही लैपटॉप है जिसमें आपको 2 ईयर्स की वारंटी मिलती है और साथ ही डिसेंट स्पेसिफिकेशन भी मिल जाता है। यह था 15.6 इंचेस की फुल HD IPS LCD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले के साथ, जिसमें 1080x1920 का पिक्सल रेजोल्यूशन मिल जाता है। इसमें आता है 11 जनरेशन इंटेल i3-1115G4 प्रोसेसर, जो 2 कोर्स और 4 थ्रेड्स के साथ आता है। इसमें 3 GHz की बेस फ्रीक्वेंसी और 4.1 GHz की बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। और साथ ही इंटेल आयरिस एक्सी के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी मिल जाते हैं। इसमें 8 GB DDR4 RAM मिलती है, जिसे आप 12 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं और 512 GB की SSD भी मिल जाती है। इसमें विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम और MS Office के लाइसेंस वर्जन प्री इंस्टॉल मिलते हैं। इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर आते हैं, जो डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करते हैं और साथ ही HD वेबकैम भी मिल जाता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें आता है डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0, HDMI पोर्ट, 1 USB Type-C पोर्ट और 2 USB 3.2 पोर्ट मिल जाते हैं। इसमें 3-cell लिथियम आयन बैटरी आती है, जो 6 आवर के आसपास बैटरी बैकअप निकाल के देती है। यह आता है 39,000 रुपीज के प्राइस के साथ, जिसमें आपको 2 ईयर्स की वारंटी मिल जाती है। इसमें भी आपके सभी बेसिक काम आराम से हो जाते हैं, तो इसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इस वजह से लिनोवो आईडियापैड स्लिम 3 इन स्पेसिफिकेशन के साथ हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर आता है। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ। तो नंबर 2 पर आता है एसएस व्यूबुक 14। दोस्तों ये एसएस का बेस्ट सेलिंग मॉडल है। इसमें आपको HDD और SSD का कॉम्बिनेशन मिलता है। या तो लाइट वेट और कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ इसका वेट सिर्फ 1.6 kg है, जो कैरी करने के लिए भी ज्यादा आसान है। या तो 14 इंचेस की फुल HD IPS LCD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले के साथ, जिसमें 1080x1920 का पिक्सल रेजोल्यूशन मिल जाता है। यह भी आता है 11 जनरेशन इंटेल i3-1115G4 प्रोसेसर के साथ, जो 2 कोर्स और 4 थ्रेड के साथ आता है, जिसमें
3 GHz की बेस फ्रीक्वेंसी और 4.1 GHz की बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाती है और साथ ही इंटेल आइरिस एक्सी के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी मिल जाते हैं। इसमें 32,000 MHz 8GB DDR4 RAM मिलती है जिसे आप 12GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। साथ ही इसमें 1TB की HDD और 256GB की NVMe M.2 SSD मिलती है जो एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है। इसमें आपको स्टोरेज काफी शानदार देखने मिलती है। इसमें विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम और MS Office 2021 के लाइसेंस वर्जन प्री इंस्टॉल मिलते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें आते हैं डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0, HDMI पोर्ट, दो USB 3.0 पोर्ट और एक USB 2.0 पोर्ट मिलता है और साथ ही एक SD कार्ड स्लॉट भी मिल जाता है। इसमें HD वेबकैम मिलता है और साथ ही डुअल स्टीरियो स्पीकर भी मिल जाते हैं। इसमें 2 सेल लिथियम आयन बैटरी मिलती है जिसमें 6 आवर के आसपास बैटरी बैकअप भी मिल जाता है। या तो 39,000 रुपीज के प्राइस के साथ जो ऑफर के साथ और भी कम हो जाता है, इसकी प्राइस थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट होती रहती है। इस प्राइस में इसमें आपको HDD और SSD का कॉम्बिनेशन मिलता है जो ज्यादातर लैपटॉप में देखने नहीं मिलता। अगर आपको ज्यादा स्टोरेज रिक्वायरमेंट होती है तो आपके लिए ये सबसे बेस्ट रहेगा। साथ ही ये डिसेंट परफॉर्मेंस निकाल के देता है। इसमें भी आपके सारे बेसिक काम आसानी से हो जाते हैं। इस वजह से SSEO Book 14 इन स्पेसिफिकेशन के साथ हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर आता है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलते हैं इस लिस्ट के नंबर 1 की तरफ। तो नंबर 1 पर आता है लेटेस्ट HP 15S। दोस्तों इस लिस्ट का सबसे पावरफुल और बेस्ट ऑलराउंडर लैपटॉप है और इस लिस्ट का सबसे सस्ता लैपटॉप भी है। अगर आपका बजट 40,000 के अंदर है तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप है। आप इसे बिना किसी इशू के आराम से परचेस कर सकते हैं। इसमें भी आपको सभी फीचर्स टॉप क्वालिटी मिल जाते हैं। या तो स्लिम और प्रीमियम डिजाइन के साथ इसका वेट 1.69 kg के आसपास देखने मिलता है। या तो 15.6 inches की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले के साथ जिसमें 1080x1920 का पिक्सल रेजोल्यूशन मिल जाता है। या तो Ryzen 3 5300U इस पावरफुल प्रोसेसर के साथ जो 4 कोर्स और 8 थ्रेड के साथ आता है जिसमें 2.6 GHz की बेस फ्रीक्वेंसी और 3.8 GHz की बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाती है और साथ ही AMD Vega 6 के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी मिल जाते हैं। इसमें आप थोड़े बहुत ग्राफिक इंटेंसिव टास्क भी कर सकते हैं। इसमें 32,000 MHz 8GB DDR4 RAM मिलती है जिसे आप 16GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं और साथ ही 512GB की NVMe M.2 SSD भी मिल जाती है। इसमें विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम और MS Office 2019 के लाइसेंस वर्जन प्री इंस्टॉल मिलते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें आते डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ, एक USB टाइप सी पोर्ट, HDMI पोर्ट और 3 USB 3.2 पोर्ट मिल जाते हैं। या तो डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ और इसमें HD वेबकैम भी मिल जाता है। साथ ही इसमें इंटीग्रेटेड एलेक्सा का भी सपोर्ट मिल जाता है। या तो सिर्फ 37,000 के प्राइस के साथ जो इस लिस्ट का सबसे सस्ता लैपटॉप है और साथ ही इस प्राइस में सबसे वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप साबित होता है। दोस्तों एक पावरफुल लैपटॉप है जिसमें आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिलती है। इसमें आप थोड़े बहुत हेवी टास्क भी कर सकते हैं जैसे वीडियो एडिटिंग, बेसिक ग्राफिक डिजाइनिंग, कोडिंग, फोटो एडिटिंग और GTA 5 जैसे गेम्स भी लो सेटिंग पर बिना किसी इशू के आसानी से खेल सकते हैं। इसका एक 14 इंचेस का भी वेरिएंट आता है, उसमें भी आपको सेम स्पेसिफिकेशन मिल जाता है। अगर आप एक कॉम्पैक्ट और लाइट वेट लैपटॉप लेना चाहते हैं तो इसके 14 इंचेस के वेरिएंट के साथ भी जा सकते हैं। इन दोनों की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप्स जो कि आते हैं 40,000 के प्राइस रेंज के अंदर। आई होप आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।